तो दिल्ली में जल संकट की वजह से तमाम लोग परेशान हैं और लोगों की इस परेशानी के बीच इसे लेकर सियासी वार पलटवार भी खूब हो रहे हैं। बीजेपी के नेतृत्व में हो रहे प्रदर्शन में महिलाओं ने दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस में पथराव किया। छतरपुर स्थित दिल्ली जल बोर्ड के फिलिंग पॉइंट पर महिलाओं का गुस्सा फूटा। पुलिस की मौजूदगी में दिल्ली जल बोर्ड ऑफिस के शीशे तोड़े गए। पूर्व सांसद रमेश पिधूड़ी के सामने दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस के शीशे चकनाचूर कर दिए गए। हमारे संवाददाता मुकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। मुकेश, पहले मटका फोड़ प्रदर्शन, अब शीशा तोड़ गुस्सा, वजह क्या रही, क्यों इतने आग बबूला हो गए कार्यकर्ता? देखिए, दिल्ली बीजेपी ने आज दिल्ली में 14 जगहों पर मटका तोड़ जो प्रोटेस्ट है वो किया था, जिसमें जो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के वीरेंद्र सचदेव वो भी शामिल हुए थे। उसी कड़ी में जो दक्षिणी दिल्ली का छतरपुर इलाका है, वहां पर जो दिल्ली जल बोर्ड का ऑफिस है, उसके सामने बीजेपी के पूर्व सांसद रमेश विधूड़ी के साथ कई बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे और उन्होंने वहां पर प्रोटेस्ट किया। लेकिन इसी दौरान कुछ महिलाएं जो हैं वो भड़क गईं और उन्होंने जो जल बोर्ड का ऑफिस है उस पर पथराव कर दिया, जिससे उसके शीशे टूट गए। और जब ये सब कुछ हुआ, उस वक्त रमेश विधूड़ी वहां पर मौजूद थे और इसके बाद जो पुलिस है वो मौके पर पहुंची है और पुलिस जो है पूरे जहां पर तोड़फोड़ हुई है जल बोर्ड के ऑफिस में उसको देख रही है और हो सकता है कि इसमें जो लीगल कार्रवाई है वो हो। लेकिन फिलहाल जिस तरह से दिल्ली में पानी का संकट है उसको लेकर तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, एक दूसरे पर लगातार आरोप लगा रही हैं। और जो बीजेपी है उसका ये कहना है कि जो आम आदमी पार्टी है वो दिल्ली के लोगों को पीने का पानी मुहैया नहीं करा पा रही है और दिल्ली के लोग जल संकट से जूझ रहे हैं। तो इसको लेकर आज दिल्ली में 14 जगहों पर प्रोटेस्ट था, जिसमें छतरपुर में जो जल बोर्ड का ऑफिस है उसमें तोड़फोड़ हुई है।